सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि दोस्तों NIA में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, यानी कि दोस्तों NIA में आप जॉब कैसे पा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए, जिसके बाद क्या है कि अपना करियर आप बेहतर बना सके। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं NIA के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के अंदर ना कई तरह की जांच एजेंसियां मौजूद है, उन्हीं में से एक है NIA यानी कि दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि दोस्तों इसको कहा जाए अगर हिंदी में तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इसको कहा जाता है। दोस्तों NIA क्या है कि भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए क्या है कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई एक संघीय जाँच एजेंसी होती है, और ये एजेंसी क्या है कि राज्यों की विशेष अनुमति के बिना देश भर में किसी भी आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए क्या है कि अधिकृत है, यानी दोस्तों इनको इसकी छूट दी गई है। और इस राष्ट्रीय जांच एजेंसी का क्या है कि मुख्यालय की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय क्या है कि नई दिल्ली में है। इसके अलावा दोस्तों इनकी ब्रांचेस क्या है कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, जम्मू में इसकी क्या है कि ब्रांचेज हैं। और ये एजेंसी है ना गृह मंत्रालय के है ना अंतर्गत आती है। और ये जो NIA एजेंसी है ना, ये क्या है कि केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून होते हैं ना, प्रवर्तन होते हैं, एजेंसी के रूप में है ना काम करती है। अगर आप इसके अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम पूरी जानकारी इसके अंदर देने जा रहे हैं। दोस्तों इसके लिए क्या है कि समय समय पर क्या है कि ये रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, यानी दोस्तों वैकेंसीज निकाली जाती है और काफ़ी सारी पोस्ट निकाली जाती है। और आप क्या है कि अपनी जो भी क्वालिफिकेशन के अनुसार है ना, आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और NIA के अंदर क्या है कि हर साल है ना कई सारी भर्तियां निकलती है, तो आपको थोड़ा सा क्या है कि वेबसाइट्स जो भी हैं, जैसे जॉब अलर्ट वेबसाइट है, इसके अलावा रोजगार समाचार पत्र है, इसके अलावा दोस्तों इनकी NIA की जो www.nia.gov.in पर क्या है कि रिक्वायरमेंट के जो सेक्शन के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई है। और आपको पता चलता है कि वैकेंसी आई है तो उसके लिए क्या है कि आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से जो भी आपको पोस्ट आपके लिए बेहतर है, उसके लिए क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है कि काफ़ी सारी पोस्ट होती है, जैसे कि दोस्तों वरिष्ठ लोक अभियोजक, वरिष्ठ निजी सचिव, इसके अलावा टेक्निक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, इसके अलावा दोस्तों उप कानूनी सलाहकार, सार्वजनिक उपभोक्ता, इसके अलावा क्या है कि अनुसंधान अधिकारी, इसके अलावा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, इसके अलावा कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, इसके अलावा क्या है कि साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर, इसके अलावा क्या है क्राइम सीन असिस्टेंट, बायोलॉजी एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, अकाउंटेंट, अश्रुलिपिक असिस्टेंट। इसके साथ साथ दोस्तों पुलिस उप अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ऐसी क्या है कि काफ़ी सारी पोस्ट होती है। जो भी अभी क्वालिफिकेशन है, अपने हिसाब से क्या है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या है कि इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको नज़र रखनी होती है जो भी वेबसाइट्स हैं, जो कि जॉब अलर्ट वेबसाइट है, इसके अलावा दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको नज़र रखनी होती है। जैसे आप पता चले आप उसके लिए क्या है कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी पोस्ट है ना, उसके हिसाब से क्या है कि अलग अलग सैलरी क्या है कि निर्धारित की गई है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग सैलरी भी मिलती है। जैसे कि दोस्तों जो टेक्निकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है, क्राइम स्कैन असिस्टेंट है, इसके अलावा क्या है कि साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर है, इसके अलावा क्या है एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है, बायोलॉजी एक्सपर्ट है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इसके अलावा क्या है कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इसके अलावा क्या है कि डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। इनकी क्या है कि सैलरी लगभग सेम रहती है, इनकी क्या है कि 15,600 लेकर 39,100 रुपये तक रहती है। इसके अलावा क्या है कि उनको क्या है कि ग्रेड पे भी दिया जाता है जो कि 5400 रुपये रहता है। इसके अलावा क्या है कि उनको सरकारी सुविधाएँ भी दी जाती है, तो ये इनकी सैलरी रहती है। इसके अलावा दोस्तों जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, इसके अलावा क्या है कि अकाउंटेंट है, स्टेनोग्राफर है, असिस्टेंट है, इनकी सैलरी क्या है कि 9,300 से लेकर 34,800 के बीच रहती है। और इसके साथ साथ क्या है कि इनको भी जो ग्रेड मिलता है, जो 4200 रुपए इनके लिए रहता है, और इसके अलावा दोस्तों सरकारी जो सुविधाएं हैं वो भी इनको दी जाती है। तो दोस्तों ये थी सैलरी की बात, और सैलरी भी आपकी है ना, जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस होती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे सैलरी भी आपकी इसके अंदर इंक्रीज होती रहती है, और आपका प्रमोशन के द्वारा भी आपकी सैलरी आगे बढ़ सकती है। तो इस तरह से क्या है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ना इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए, और जो भी आपके इंटरेस्टेड पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई करें। उसके बाद क्या है कि आप उसके अंदर क्या है कि आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा, जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं ना, उसके बाद क्या है कि आपको ना रिटर्न एग्जाम देना होता है। रिटर्न एग्जाम के बाद क्या है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के अंदर आपसे है ना क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और जैसे क्वेश्चन पुट कर देते हैं और लिखित और इंटरव्यू के अंदर आप पास हो जाते हैं ना, उसके बाद क्या है कि आपको जॉब दे दी जाती है।
तो दोस्तों इस तरह से है ना आप NIA यानी कि दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर है ना अपना करियर ना बेहतर बना सकते हैं और आप भी जॉब इसके अंदर पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, होस्ट के तहत चैनल सब्सक्राइब बनाना भूलें क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।